हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम चल रहे हैं आपको नैनीताल के टूर के लिए। हमारा 3 दिन का टूर है, मैं और मेरी वाइफ के साथ। देखिए, हमारी जो ट्रेन है इस समय हल्द्वानी पहुंच चुकी है। हल्द्वानी से काठगोदाम की तरफ पहुंच रही है। आप हल्द्वानी के पास में जो पहाड़ है उसका देख सकते हैं। साइड में रेलवे पटरियों के किनारे जो मकान बने हैं इनका लोकेशन है। फाइनली देखिए, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं काठगोदाम। पेट्रोल पंप है, यहीं से आपको रोडवेज मिलेगी। अगर रोडवेज पकड़ना चाहे रोडवेज पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप शेयरिंग कैब भी ले सकते हैं। कैब भी ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये किराया है काठगोदाम टू नैनीताल। फाइनली देखिए, हमने शेयरिंग कैब किया है। इसमें 6 लोग बैठे हैं, 3 कपल हैं। अब भैया हमें लेकर चल रहे हैं नैनीताल के लिए। 100 रुपये पर हेड का यहाँ पर किराया लगता है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर नज़ारा कितना खूबसूरत और कितना अच्छा है। तो सुबह के लगभग हमें ट्रेन ने छोड़ दिया 7 बजे तक, और 8 का टाइम हो रहा है। और देख सकते हो कितना खुशनुमा मौसम है। और यह कभी भी अगर आप नैनीताल आ रहे हैं, अगर आप खुद का व्हीकल लेकर आना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं तभी खुद का व्हीकल लेकर आए, क्योंकि भैया यहाँ पे रोड बहुत ही सकरा। और जो बेस्ट ड्राइवर हों, चलाना अच्छे से जानते वही लेकर आए, जो 2-4 दिन के ड्राइवर हो ना लेकर आए। देखिए, हमने यहाँ पर पहुँच चुके, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। 50 रुपये की थाली है। और इस सामने देख, जो आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का, आप देख सकते हैं रडार सिस्टम लगा हुआ है। सामने दिख रहा है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, जहाँ हम नाश्ता कर रहे हैं वहीं से दिख रहा है। तो आँखों से देख रहे हैं तो पता चल रहा है पूरी तरह से, लेकिन यहाँ से कैमरे से पूरा नहीं आ रहा है। बाकी हम आपको वीडियो नैनीताल पहुँच के फाइनली देखिए दोस्तों, हमने होटल ले लिया है। और होटल में बहुत ही कम प्राइस है, मात्र 1000 रुपये में, 1000 रुपये में हमें होटल मिला। और होटल अभी इतना लाजवाब आप देख सकते हैं। मैं आपको चल के इसका कमरा दिखाता हूँ। अभी इसकी सफाई होनी, उन्होंने ला के होटल दिखा दिया, बोले आपको मैं 2 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे इनको साफ़ करने में। देख सकते हैं आप होटल, बिल्कुल आपको यहाँ से लेक व्यू मिलेगा, एक नंबर का होटल है। और मात्र 1000 रुपये। अगर आप कभी भी आते हैं तो जैसे रोडवेज से आगे आएंगे, जैसे माल रोड में एंट्री करेंगे, उसी के पास से ही रास्ता गया है, बिल्कुल सीधा चढ़ते चले आइए, रघुनाथ होटल पड़ेगा, यहीं पर आप आके स्टे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ देखिए दिखा रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा लोकेशन यहाँ दिख रहा है, लेक व्यू है। बाकी बाहर भी ले चल के मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिखेगा। हमें होटल बहुत सारे देखे हमने, लेकिन यहाँ पे होटल समझ में नहीं आया, कोई 2500 कोई 3000 बोल रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे होटल, हम दोबारा लौट के आ रहे थे,
लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर हमें चढ़ना भी नहीं पड़ा, ज़्यादा ज़्यादा 20 से 25 मीटर ऊंचा है। अब रघुनाथ होटल वहाँ पे आप देख सकते हैं, और मात्र 1000 रुपये में मिला है होटल, और बहुत ही अच्छा होटल है। इससे कम प्राइस में तो आप होटल पा ही नहीं सकते पूरे नैनीताल में। और यहाँ का बिहेवियर, होटल स्टाफ बहुत ही अच्छा है। मैं आपको चल के बाहर से दिखाता हूँ, देखिए लेक व्यू, तब तक सफाई वगैरह कर ले। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसे लगी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी हमारी वीडियो का अगला भी पार्ट आएगा, नैनीताल जब मैं घूमूंगा उसका भी पार्ट लेकर आऊँगा। बाकी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिएगा। एक वीडियो सेपरेट मैं ज़रूर लाऊँगा आपके लिए बताने के लिए, यहाँ पर आने का कितना खर्चा, कितना क्या कैसे लगता है। और ये सामने जो होटल देख रहे हैं, यहाँ हमें मात्र 800 रुपये में रूम मिल रहा था, लेकिन थोड़ा सही सा नहीं लगा हमें, इसीलिए थोड़ा सा आगे आ गए हैं। देख रहे सामने पार्किंग है, इधर चर्च बनी हुई है, तो बस आप जैसे ही घुसे नमाल रोड में तुरंत ऊपर चढ़ जाएं, आपको ये होटल मिल जाएगा।